नमस्कार, मैं हूं अमन आनंद। देख रहे आप द बिहार बुलेटिन। मधेपुरा की चर्चित राजद नेत्री कुमारी विनीता भारती, जो मधेपुरा से चेयरमैन पद की दावेदार है, उन्होंने अपने नामांकन से पहले मीडिया से मुखातिब हुई। आइए क्या कुछ कहा है, देखते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं विगत 15 साल से समाज सेवा में जुड़ी हुई हूं और 10 साल से मुझे वार्ड नंबर 2 का काम करने का मौका मिला है। मैं खास करके इस बार सरकार का जो सराहनीय कदम है कि मुख्य पार्षद की चुनाव जनता के द्वारा होगा, तो मेरे भी चाहने वाले, मेरे भी समर्थक, खास करके मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता, महिला सीट होने के कारण मेरे चाहने वालों ने भी मुझे कहा कि मैडम आप चुनाव लड़िए, और मैं अपने चाहने वाले, अपने शुभचिंतकों के कहने पर मैं मुख्य पार्षद की उम्मीदवार बनी। और खास करके मैं विगत 8 महीना से मधेपुरा नगर परिषद के घर घर, हर घर दस्तक दे रही हूँ, सबों के आशीर्वाद ले रही हूँ। और खास करके मैंने जो उनके दुख समस्याओं को खास करके अवगत हुई हूँ, खास करके आप जिस गली में जाइएगा आपको अधिकतर पानी ही मिलेगी, चाहे वो छोटा सा ही रास्ता क्या हो। मैं तो कहूंगी कि मधेपुरा नगर परिषद में 26 वार्ड रहने के कारण, खास करके मधेपुरा जो ये नगर परिषद है जो 26 वार्ड है, मैं वार्ड नंबर 2 की पार्षद रही हूँ और विगत 10 साल से मैं यहाँ की काम की हूँ। और अन्य वार्डों को जब मैं दौरा करती हूँ तो मुझे लगता है कि मधेपुरा नगर परिषद विकास के मुद्दे पर कहीं बहुत पीछे है। मैं अपने वार्ड से अन्य वार्डों की तुलना करूंगी, क्योंकि मैं वार्ड पार्षद हूँ तो मैं अन्य वार्डों को अपने वार्ड से तुलना करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मधेपुरा नगर परिषद कहीं ना कहीं बहुत ऐसे मुद्दे से वंचित है जो मधेपुरा नगर परिषद के लिए तौहीन है। तो मैं वहाँ के जो दुख दर्द देखती हूँ और वहाँ हर घर जाकर के आशीर्वाद लेती हूँ, मैं उन घरों भी जाती हूँ। खास करके आज दैनिक दिनचर्या के कारण बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ आपको गेट में लगा हुआ, क्योंकि लोग ड्यूटी पर चले जाते हैं, मैं उन घर तक भी पहुंची और उनसे भी आशीर्वाद, खास करके आपके प्रेस के माध्यम से भी उन घरों वालों को कहना चाहती हूँ कि मैं आपके यहाँ भी गई लेकिन आपसे मिल नहीं पाई, मैं फिर आपके यहाँ आऊंगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन घर से भी खास करके उन मुद्दे पर जाती हूँ, तो खास करके मेरी लड़ाई मधेपुरा नगर परिषद की किसी भी उम्मीदवार से नहीं है, क्योंकि मधेपुरा नगर परिषद एक ऐसा क्षेत्र है कि आपको प्रतिनिधि शब्द यहाँ की जनता हटाने की मांग कर रही है, तो मैं जन यहाँ प्रतिनिधि से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई मुख्य पार्षद उम्मीदवार में, मुझे लगता है कि मैं विनीता भारती सिंगल उम्मीदवार हूँ कि मैं जनता के दुख दर्द, आप यदि जनता से डायरेक्ट कनेक्ट रहिएगा और उस कुर्सी पर रहिएगा तो वहाँ आपके प्रतिनिधि कोई बैठे नहीं रहेंगे, तो आप जनता से खुद ब खुद जुड़ रहे। और खास करके मधेपुरा नगर परिषद या भ्रष्टाचारियों की अड्डा, मेरी कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं, जो मैं किसी बिजनेस से भी जुड़ी हुई नहीं हूँ। खास करके मधेपुरा नगर परिषद यह जो भ्रष्टाचारियों, व्यापारियों और भ्रष्टाचारियों मुक्त कुर्सी पर बैठने का काम करेंगे तो वो नगर परिषद को भ्रष्टाचारी के रूप में, तो मैं किसी प्रतिनिधि की बात नहीं कर रही हूँ। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी कर रही हूँ कि मैं 16 तारीख को मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता, मैं 16 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हूँ और आप सब इसी तरह आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए, मेरे नामांकन में जरूर आइए। मैं आप लोगों से प्रेस के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगी कि आप मुझे मधेपुरा नगर परिषद में काम करने का मौका दे, इसलिए कि सेवा करने का मौका तो कहीं अपना लोग कहीं धर्मशाला कहीं मंदिर में भी सेवा कर सकते हैं। मैं काम करी और मैं काम से जानी जाती हूँ और वार्ड नंबर 2 की पार्षद रही हूँ और लोग मुझे काम से ही जानते हैं, तो मैं काम से जानी जाती हूँ। और मधेपुरा नगर परिषद को इस बार भ्रष्टाचार से मुक्त कीजिए, बिजनेस से मुक्त कीजिए, व्यापार से मुक्त कीजिए। और खास करके मैं जो सबों के बीच जाती हूँ तो मेरे 7 मुद्दे हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जारी की हूँ जो कि मेरा नंबर है, आप अपना सुझाव उस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे और इस चुनाव को लड़े। इस कार्यक्रम की सुधव मैं अपनी नामांकन जो 16 से दे रही हूँ और मैं उस दिन से अपना एक कार्यक्रम कर रही हूँ, सबका साथ सबका विकास, और आप मुझे समर्थन दे मधेपुरा परिवर्तन के लिए। तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर मैं जारी की हूँ 7903218674 पर, आप भेजिए या फोन करके मुझे बताइए उन सारे मुद्दों को, मैं अपने घोषणा चुनावी घोषणा में जरूर शामिल करूंगी। और मैं ये आप समोस के सामने कसम खाती हूँ कि आपके यदि अध्यक्ष बनने पर मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं आपके समक्ष अपना इस्तीफा दूंगी। पुनः आप सबों को सादर वंदन एवं स्नेह प्रणाम करती हूँ और आप सभी मुझे ये सुझाव जरूर दें। आज मधेपुरा के लोग ठेकेदारी, भ्रष्टाचारियों, दुकानदारी, बिजनेस प्रथा से मुक्ति चाहते हैं और मुक्ति में मेरा साथ आगे आकर के दे रहे हैं,
हर जाति धर्म से उठ करके लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। मेरी लड़ाई यहाँ किसी उम्मीदवार से भी नहीं है, मैं मधेपुरा की महान जनता इस बार प्रतिनिधि, जो एक धब्बा सच में लग चुका है। मधेपुरा आज कहीं ना कहीं बिहार के नंबर वन पर रहता है। जिस तरह विकास की गति सरकार द्वारा राशि दी जाती है, उन राशियों का यदि हम उपयोग करें तो सच में मधेपुरा नगर परिषद आज विकास के नंबर वन पर जरूर रहती। तो मैं आप लोग के समक्ष यह कसम भी खा रही हूँ कि मैं यदि काम नहीं कर पाऊंगी तो मैं आप लोग के समक्ष इस्तीफा दूंगी। खास करके मैं उनको कहना चाहती हूँ कि इस बार न कोई बड़ा ग्रिल होगा, न गेट होगा, न कई ग्रिल पे कुत्ता बांधा हुआ रहेगा, क्योंकि यदि आप जनता मिल जाते तो आप एक कुत्ता बांध के रख देते, कुत्ता के डर से भी आपके अंदर कोई आना नहीं चाहता है। तो मैं उन सबको भी कहना चाहता हूँ कि एक बार विनीता भारती को अवश्य मौका दे। यह विनीता भारती दिन रात आपके सेवा में खड़ी रहेगी, आपकी सेवक बन करके। आप एक कॉल कीजिएगा, आपके हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूंगी। आइए फिर से एक बार नगर परिषद को स्वच्छ, सुंदर एवं साफ सुथरा बनाने के लिए, एक बेहतर मधेपुरा बनाने के लिए आप सब सहयोग दें और मेरे नामांकन में जरूर आए। आप सबों को मैं प्रणाम करती हूँ।